मौला होना भी ऐसा चाहिए जिनकी मां का किरदार भी मिंबर से पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। और किताबें गवाह हैं, बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, सर फखर से उठा के दिया करो, सीना तान के दिया करो। हमारे पास इमाम ऐसे हैं जिनके शजरे भी पढ़े तो शर्मिंदगी नहीं। फकीर शाम ने बुलाया था दरबार में अमीर कायनात के बेटे को, और मेरे मौला हसन को दरबार में बुला के उसने सात बंदे बिठाए और बिठा के कहा जब हसन आ जाए तो हर एक ने मेरे खानदान के फजाइल पढ़ने और हसन के खानदान की तौहीन करने। इमाम हसन दरबार में आए, सात के साथ तनख्वाहदार कुत्ते उठे और एक एक ने उठ के कहना शुरू कर दिया, उमैया में ये फजीलत थी, इनके खानदान में ये फजीलत थी, ये फजाइल पढ़ते गए। जनाब हसन के चेहरे पे ना एक लम्हे के लिए कोई खौफ आया, ना एक लम्हे के लिए परेशानी आई। अब जितने यहां से लेके आखिर तक बाहर तक हसन के नौकर बैठे हो, मैं जुमला पढ़ने लगा हो और तुम्हारे सर फखर से बुलंद हो जाएंगे। अमीर कायनात के बेटे जनाब हसन ने जब साथ के साथ उमैया के फजाइल पढ़ के चुप हो गए, जनाब हसन उठ के खड़े हुए, कहने लगे बड़ा तुमने अपने अबाव अजदाद पे फखर किया है। जाओ मैं हसन तुम्हें कहता हूं, मैं अपनी मां सहरा से लेके हव्वा तक और अली से लेके आदम तक शजरा भी पढ़ता हूं, किरदार भी पढ़ता हूं और तुम सबके सामने पढ़ता हूं। अगर तुम में जुर्रत है तो कोई मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार पढ़ के शजरा।